दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने जांच एजेंसी को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने नोटिस को अवैध बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा भेजे गए समन पर भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पेश होने से अरविंद केजरीवाल कतरा रहे हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपना परिचय दे रहे हैं, वह एक आपराधिक मानसिकता होते हैं जो जाँच से भागता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर है, उनको कानून का पालन करना चाहिए। सर, किस तरह से आज केजरीवाल जी ने कहा है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं हो, क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरह से परिचय दे रहे हैं, ये अपराधी की मानसिकता होती है कि वो जांच से भागता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे हैं, उनको कानून का पालन करना चाहिए था, जांच एजेंसी के सामने जाके पेश होना चाहिए था और अपने साक्ष्य रखने चाहिए। लेकिन इस तरह से भागना ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ अपराध का उनको बोध है, कहीं ना कहीं उससे ग्रस्त है, इसलिए बच रहे हैं। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, मैं भी देखना चाहूँगा कि कब तक बचते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल का एक आरोप है कि जिस तरह से चुनाव नजदीक हैं, उसको लेकर ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें चुनाव से दूर किया जा रहा है, इस पे क्या लेंगे? हिंदुस्तान में हर वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। आपने अगर घोटाला किया है, आपने शराब नीति बदली है, शराब घोटाले में करोड़ों रुपये कमाए हैं, जल बोर्ड का घोटाला है, तो कई घोटाले हैं जो अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे हुए हैं। तो जब आप भ्रष्टाचार कर रहे थे तब तो आपने नहीं सोचा। अब अगर कानून अपना काम कर रहा है तो कानून तो अपने ढंग से अपना काम करेगा। अगर आप ठीक हैं, अगर आप कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, तो जाइए ना जांच एजेंसी के सामने। एक अपराधी की तरह छुपना, भागना या भगोड़े की तरह व्यवहार करना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।